खट्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में पूरा देश और खास करके हर देश के, हर प्रदेश के मुख्यमंत्री यही सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि 20 तारीख के बाद कौन सी, कैसे लॉकडाउन का जो माहौल है इसे खोला जाए। हरियाणा जो है उसके दो इम्पॉर्टेंट हब जो हैं गुरुग्राम और फरीदाबाद, जो कि NCR के पार्ट हैं, दोनों बिजनेस के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट आपकी सिटीज़ हैं। आप कैसे करेंगे इसको, आगे कैसे खोलेंगे, क्या करेंगे, क्या क्या आपकी प्लानिंग है? अनुराधा जी, ये ठीक बात है कि लॉकडाउन के पहले फेज के बाद दूसरे फेज के भी सातवें दिन एक प्रकार से इस प्रकार के वातावरण में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमको करनी पड़ेंगी, जिसमें हमारी गतिविधियां, आर्थिक जितने भी संस्थान हैं उनकी गतिविधियां किस प्रकार से चालू हो जाएं, उद्योग कैसे चालू हों। लेकिन जो एक नॉर्म्स बनाए गए हैं कि जो रेड जोन है उसमें भी कंटेनमेंट एरियाज, इनका ध्यान रखते हुए हम हर एक क्षेत्र के अंदर जो भी अपेक्षित गतिविधियां व्यवस्थाएं बना करके हम करेंगे। इसके लिए जैसे रेड जोन में हमारे चारों जिले हैं, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, नूह है और पलवल है। अब इन चारों जिलों में कुछ एरियाज कंटेनमेंट जो एरियाज हैं जहां के संक्रमण ज्यादा है, औसत से ज्यादा है, इन एरियाज में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बाकी स्थानों पर अलग अलग संस्थानों के ऊपर हमने काम को शुरू करने के लिए व्यवस्था बनाई है कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग प्लान कमेटी हर लेवल पर रहेगी, वो वार्ड और बूथ लेवल पर भी रहेगी और वो ब्लॉक स्तर पर भी रहेगी, जिला स्तर पर भी रहेगी। छोटे संस्थान को ब्लॉक लेवल पर ही हम उनको निरीक्षण करके और उनको एक अनुमति देंगे कि इन स्थानों पर कर सकते हैं। जितने नॉर्म्स हैं खास करके सोशल डिस्टेंसिंग के प्लान, ये तो हम छोटे लेवल पर वहीं करेंगे, लेकिन जो बड़े संस्थान हैं जहाँ बड़ी संख्या में लेबर काम करती है, उनको हमारी जो स्टेट लेवल की डिस्टेंसिंग प्लान कमेटी है उसका निरीक्षण करेंगे और उसके बाद उनको अनुमति देंगे। हर 5 दिन के बाद उन स्थितियों का दोबारा से पुनर्मूल्यांकन करेंगे। जब भी कभी कोई उल्लंघन करेगा उसकी परमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब ये चूंकि कंटेनमेंट एरिया और जो जोनिंग है, ये नंबर ऑफ पेशेंट्स जो मिलते हैं उसके हिसाब से हर दिन बदलेगी भी सही, तो जिस क्षेत्र को नए सिरे से घोषित किया जाएगा कंटेनमेंट एरिया अथवा जोनिंग में रेड जोन घोषित कर दिया जाएगा, उन स्थानों पर इन गतिविधियों को रोका जाएगा और जो ऑरेंज और ग्रीन की तरफ बढ़ते जाएंगे उन स्थानों पर गतिविधियां हम बढ़ाते जाएंगे। इस प्रकार की सारी योजना हम जो सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ होम की ओर से डायरेक्शन मिली है उस डायरेक्शन के हिसाब से काम करेंगे। जी।